तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल WWE डेली में। आप सब जानते हैं कल स्मैकडाउन पर सबको लग रहा था कि कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच ऑफिशियल होगा, कोडी रोड्स रोमन को चैलेंज करेंगे, लेकिन वहीं पर हमें द रॉक देखने को मिले जिन्होंने आकर कोडी रोड्स का स्पॉट छीन लिया और अब रोमन रेंस वर्सेज द रॉक का मैच हमें रेसलमेनिया 40 में देखने को मिलेगा। अब एक टाइम पर फैंस इस मैच की काफ़ी डिमांड कर रहे थे, लेकिन अचानक से फैंस इस मैच को अब देखना नहीं चाहते हैं, सब कोडी रोड्स को सपोर्ट कर रहे हैं और WWE को जमकर गालियाँ पड़ रही हैं, ट्रिपल एच को भी गालियाँ पड़ रही हैं कि भाई तुमने ये क्या कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर ट्रिपल एच की कोई भी गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती आप किसी की कह सकते हैं वो द रॉक की गलती है। अब द रॉक आए थे यहाँ पर, उन्होंने पुश किया इस आइडिया को कि वो रोमन रेंस को फेस करना चाहते हैं और उनका भी कहीं ना कहीं आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि WWE रेसलमेनिया की स्टार पावर कम हो जाएगी, क्योंकि अब ब्रॉक लेसनर CM Punk जैसे सुपरस्टार्स नहीं है। इस वजह से उन्हें लगता है रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाकर देगा, जो कि फैक्ट भी और सबको ये पता है। लेकिन जिस तरीके से WWE ने स्टोरी का कबाड़ा कर दिया, कोडी रोड्स को बेवकूफ़ दिखा दिया, उससे फैंस ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं। इसके अलावा कोडी रोड्स के लिए प्लान बी क्या है उस पर भी अपडेट आ चुकी है, जहां बताया जा रहा है कि कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर सकते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए और वो रेसलमेनिया में चैंपियन भी बन जाएंगे और उसके बाद वो टाइटल यूनिफिकेशन मैच कर सकते हैं समर स्लैम में और इस तरीके से कोडी रोड्स अपनी स्टोरी को फिनिश करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर समझ नहीं आता, कोडी रोड्स ने तो कहा था कि मुझे रोमन रेंस का टाइटल चाहिए, लेकिन अगर वो रेसलमेनिया में जाकर सेथ रॉलिंस को हराते हैं तो यहाँ पर कुछ खास सेंस बनेगी नहीं, जबकि रोमन रेंस ने लाइव शो में सेथ रॉलिंस के टाइटल की एकदम से बेइज्जती कर दी थी स्मैकडाउन पे, तो वो किस मुंह से फिर से चैलेंज करेंगे सेथ रॉलिंस को, मुझे समझ नहीं आएगा। यहाँ पर WWE को कुछ काफ़ी स्मार्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ड्रू मैकइंटायर इस मैच में ऐड होंगे और ये तीनों सुपरस्टार के बीच यानी कि सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, ड्रू मैकइंटायर के बीच हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अब WWE यहाँ पर क्या करेगी किसी को कुछ नहीं पता। अब द रॉक की बात करें तो काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि द रॉक ये भी चाहते हैं कि वो रोमन रेंस को रेसलमेनिया में हरा दें। अब ये डिसीजन अगर WWE ने ले लिया तो काफ़ी लोग अपने सर फोड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर द रॉक इतने लंबे टाइम के बाद मैच रेसल करेंगे और रोमन रेंस को हरा दें, ये डिसीजन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला। बाकी आपको क्या लगता है भाई, क्या द रॉक को हराना चाहिए रोमन रेंस को, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब WWE इस मैच को कैसे ठीक करेगी, कैसे द रॉक और रोमन रेंस का मैच होगा और क्राउड का यहाँ पर काफ़ी देखने वाला रिएक्शन होगा, वो किस तरीके से इस मैच के बैंड बजाएंगे, 2015 में भी हमें देखने को मिला कि आखिर कैसे रोमन रेंस ने जब रॉयल रंबल जीता था, द रॉक यहाँ पर रोमन रेंस की हेल्प करने के लिए आए थे, लेकिन तब भी वहाँ के क्राउड ने द रॉक को भी बू किया था। तो वैसे कुछ फैंस को लग रहा है इस बार भी होने वाला है। अब आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर